हेलो फ्रेंड फ्रेंड मैं आज आप लोगों के लिए रियलमी 3 का जो है चार्जिंग डायग्राम जो है लेके आया हुआ हूँ। चार्जिंग सेक्शन का सारा डायग्राम मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ कि अगर आपका कोई एक लाइन मिस हो जाती है, कट जाती है या वाटर डैमेज से मिस हो जाती है तो आप उसे किस तरह से रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको जो मेन हमारा चार्जिंग के है जो जो पॉइंट होते हैं दो पॉइंट, उसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि एक पॉइंट जो यहाँ पर है ये ग्राउंड की है, ठीक है। तो ग्राउंड तो आप कहीं से भी ले सकते हो। और दूसरी वाली जो है ये हमारा है, ये चार्जिंग का जो है पॉजिटिव लाइन है, ठीक है। तो आप यहाँ चेक कर लेना, अगर यहाँ तक आपका वोल्टेज आ रहा तो ये सही है, नहीं तो आप एक काम करना, यहाँ से एक जम्पर लगा के आप चार्जिंग सेक्शन के प्लस वाले पे लगा लेना या वहाँ के सॉकेट पे लगा लेना, चार्जिंग वाले जो बोर्ड होते हैं उनके सॉकेट पे ठीक इस साइड वाले पे आप लगा लेना तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है वो मल्टीमीटर सेट करना है, पहले 20 वोल्ट पे उसको एक रेड वाले को ग्राउंड कहीं पर कर लेना और दूसरे ब्लैक वाले प्रोब से यहाँ चेक करना। अगर यहाँ पर 5.2 या 5.0 के आसपास मिल रहा है तो आप समझ लेना यहाँ तक आपका बिल्कुल लाइन सही है, ओके है। तो सीधा आपको जो है आगे बढ़ जाना है। आपको यहाँ पर से सीधा जो है मैं आपको एक एक लाइन इसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ कि कहाँ पर कुछ चेक करना है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे पूरा बताने वाला हूँ और इस वीडियो में अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगेगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हमारा यहाँ जो है डायरेक्ट सॉकेट से हमारा लाइन जो है यहाँ पर आती है ट्रैक। तो अगर यहाँ पे आप वोल्टेज चेक करना, अगर यहाँ पे 5 पॉइंट आपको मिल रही है तो यहाँ पर ओके है, आगे बढ़ जाना आप इस पे आ जाना है। ये जो है आपका 470 किलो ओम्स का है, एक रजिस्टर लगा हुआ, तो आपको यहाँ पे आ जाना है और ये 470 किलो ओम का रजिस्टर है। तो आप यहाँ चेक करना है यहाँ तक सही होगा तो आपको नेक्स्ट यहाँ पे आ जाना है इस वाले जो है कैपेसिटर पे। यहाँ पर भी अगर आपको मिल रही है तो आपका प्रॉपर लाइन ओके है, ठीक है। तो इस वाले आईसी जो है यहाँ पर हमारा ये लाइन डायरेक्ट जाती है, तो इसमें से हमारा जो है दो कनेक्शन इससे निकलती है, ठीक है। एक कनेक्शन वही 470 किलो ओम के रजिस्टर पर जाती है और ये सीधा दूसरे रजिस्टर पर जाती है जो 110 किलो ओम्स की है, ठीक है। और हमारा जो तीसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन हमारे डायरेक्ट जो है जाती है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो यहाँ पे जाती है। आप डायरेक्ट यहाँ पे चेक करना, अगर यहाँ पे आपको मिल रही है वोल्ट्स, अगर आपको यहाँ पे मिल रही है वोल्टेज तो ये हमारा लाइन बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी आपको वही वोल्टेज मिलेगी 5.2 से लेकर 5.0 तक, यहाँ पर अभी आपको वही सेम जो है मिलेगी वोल्टेज, यहाँ पर आपको 5.0 से 5.2 वोल्टेज मिलनी चाहिए। यहाँ से आपका जो है दो लाइन निकलती है, एक इस वाले जो है कैपेसिटर से निकल के यहाँ तक हमारा जो है ये जो रजिस्टर लगा हुआ है इधर से जाती है, ठीक है, और एक यहाँ से जो कि आपस में जाके दोनों फिर शॉर्ट हो जाती है। तो इन दोनों में से अगर लाइन अगर कट जाए तो आप यहाँ से एक जम्पर ले लेना, दोनों में से किसी एक से भी आप जम्पर उठाओगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ में से अगर नहीं बन रही है दोनों में, ठीक है, तो आप चेक कर लेना जहाँ से लाइन मिसिंग होगी वहाँ पे आप शॉर्ट कर देना, इन दोनों रजिस्टर को आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमारा जो है डायरेक्ट जाता है बोर्ड के उस सेक्शन पे, हमारा जो चार्जिंग आईसी है वहाँ पे जाती है, चार्जिंग सेक्शन की जो मेन सप्लाई मिलती है वहाँ पे जाती है। तो ये जो हमारा वी बस जो है लाइन, तो यह है हमारा हमारा हम आ गए बोर्ड के दूसरे भाग तरफ जो कि चार्जिंग सेक्शन है। तो यहाँ पे हमारा जो है सबसे पहले ऊपर ये चला जाता है और इस वाले जो है कैपेसिटर पे हमें चेक करना है, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको जो है अगर आपका वोल्टेज नहीं मिल रही है तो आप
बोट के वहाँ पर जहाँ पे आपको वोल्टेज मिल रहे, तो वहाँ से आप यहाँ पे एक जगह पर लगा सकते हो। फिर ये डायरेक्ट लाइन हमारे यहाँ पे आती है, यहाँ से डायरेक्ट वी बस की लाइन जो है फर्स्ट वाली इस चार्जिंग ऐसी भी आती है। इसके बाद हमारा जो है चार्जिंग के लिए जो है यहाँ पे से निकलती है हमारे एक बहुत और एक ये यहाँ पर से, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक लगा हुआ है यहाँ पे कोयल, यहाँ पर से जाती है एक इस साइड से एक इस साइड से। तो आप यहाँ पर चेक कर लेना, अगर आपकी लाइन जो है अगर यहाँ पर बन रही है और इन दोनों में से नहीं बन रही किसी भी, तो आप इसे एक बार रिवॉल्व कर लेना इस ऐसे। और अगर रिवॉल्व करने के बाद भी, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, और एक तीसरा, ये वी बैट की लाइन है। तो यहाँ पे हमारी लाइन जो है ये आ रही है और इन तीनों में से किसी एक पे भी नहीं आ रही है, या इन दोनों में से भी नहीं आ रही है, इस पे भी नहीं आ रही। तो अब इसे इस आईसी को निकाल के एक बार रिपोलिंग कर लेना। रिवॉल्व इजीली हो जाती है, इजीली करके आप इसे लगा सकते हो, नहीं तो फिर आपको इसे चेंज करना होगा। तो खैर मैं आपको आगे बता देता हूँ कि इसकी लाइन जो कहाँ जाती है। तो ये दोनों आपस में शॉर्ट होके यहाँ पे सीधे इस कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पे हमें 3.7 वोल्ट मिलती है, ठीक है। खैर यहाँ पे हमें अपनी वी बैट लाइन चेक करनी होगी। तो यहाँ पर हमें ये लाइन यहाँ पे आती है, यहाँ इस कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पे एक डायोड होते हुए यहाँ से इस डायोड पे होते हुए हमारे ये जो है वी बैट की लाइन पे जाती है पोर्ट के दूसरे भाग पे। तो सीधा हमारा जो है यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ से होते हुए ये हमारा वी बैट की लाइन यहाँ पे आती है। और मैं आपको यहाँ पे बैटरी की जो कुछ कनेक्शन है मैं उसे बता देता हूँ। एक आईडीएक थर्मल, तो यहाँ पे 5 वाला को मैं बता देता हूँ पहले। ये हमारा आईडी होती है, तो ये हमारा सीधा ये बोर्ड के उस भाग जो इसका लाइन होते हुए जाती है, ये जो हमारा आईडी है बैटरी आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये होते हुए हमारा जो है चार्जिंग सेक्शन के भाग तरफ यहाँ पर हमारा यहाँ पे आता है, जो कि ये 300 किलो ओम्स की रजिस्टर है यहाँ पे मिलती है। तो ये ग्राउंड है और ये यहाँ पर होते हुए हमारे इस भाग से निकलते हुए जो कि ये 1 किलो ओम्स की रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पर होते हुए डायरेक्ट हमारा जो है यहाँ पर से सीपीयू की लाइन पे जाती है, ठीक है। और दूसरा भाग हमारा ऐसे होते हुए सीधा जो है हमारा, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको पूरा एक एक लाइन एक एक डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। एक छोटी सी यहाँ पे जो है रजिस्टर लगा हुआ यहाँ पे आती है। तो ये तो हमारा हो गया आईडी की लाइन। अब चलिए थर्मल लाइन भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमारा थर्मल लाइन, ठीक है ना, यानी जिसको टेम्परेचर भी बोला जाता है। तो चलिए यहाँ पर से सीधा 4 वाले लाइन जो है इस वाले पॉइंट पे आती है। एक बार आप चेक कर लेना, अगर इस दौरान आपका अगर कट गई होगी ये लाइन, तो आप यहाँ से एक जम्पर लगा लेना, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा ग्राउंड थर्मल और आईडी और प्लस पॉजिटिव जो हमारे पॉजिटिव लाइन है, ये चारों यानी वी बैट की लाइन चारों सप्लाई मिलने चाहिए, तो प्रॉपर हमारा सेट वर्क ऑन होती है, ठीक है। इनमें से एक लाइन भी मिस हो जाने से हमारा सेट ऑन नहीं भी हो सकती है किसी किसी में। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये लाइन सीधा जो है यहाँ पर से होते हुए बोर्ड के दूसरे भाग में चार्जिंग सेक्शन के हमारे यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है 1 किलो ओम्स की, इस पे जाती है। और यहाँ से डायरेक्ट होते हुए यह हमारे जो है यहाँ पे पावर आईसी पे आती है, ठीक है।
यहाँ पर मैंने ये बैटरी की जो है कुछ लाइन आपको बता दी है, और यहाँ पर मैं आपको इसकी दो और सप्लाई बता देता हूँ, DM और DP जो लाइन होती है USB केबल वाली, तो उसे भी जानना ज़रूरी है, तो मैं इन दोनों का भी लाइन आपको बता देता हूँ फटाफट। तो एक है 19 और 20, दोनों लाइन जो है यहाँ पे दोनों का जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों का लाइन जो है यहाँ से सीधा इस कनेक्टर से सीधा होते हुए इन दो पॉइंट पे आती है, यहाँ से फिर आपको आगे बढ़ जाना है, यहाँ से दोनों आपको यहाँ पे एक रजिस्टर है वहाँ से दो रजिस्टर होते हुए इस IC से होते हुए सीधा हमारा जो है CPU पे